और इस तरह खून से सन गई इटावा, जालौन, कानपुर देहात और भिंड के बीहड़ में बसे बहमाई गांव की धरती। उस अभागे बहमाई कांड पर 43 साल बाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसे बहमाई गांव के लोग अधूरा इंसाफ कह रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गायत्री चौहान। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पिछले महीने की 14 तारीख को अखबारों के एक सिंगल कॉलम में सिमट कर रह गई। बहमाई कांड पर फैसला नेशनल मीडिया की सुर्खियां नहीं बना, लेकिन 43 साल पहले 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात के बहमाई गांव में कुछ ऐसा हुआ था जो देश ही नहीं पूरी दुनिया की मीडिया की सुर्खियां बना था। पूरी दुनिया के पत्रकारों की कलम और कैमरे बहमाई की तरफ घूम गए थे। 14 फरवरी 1981 को डकैत फूलन देवी और उसके गिरोह ने यमुना किनारे बसे बहमई गांव के 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा कर मार डाला था। बहमई कांड को याद कर गांव के लोग आज भी सिहर उठते हैं। यूपी के इटावा जिले में एक जगह है जिसे पचनदा कहते हैं। इस जगह 5 नदियों का मिलन होता है, यमुना, चंबल, क्वारी, सिंध और पहुंच नदियों के संगम के चारों तरफ यूपी और एमपी की सीमाएं हैं। चंबल के किनारे कुछ दूर राजस्थान की पचनदा पर पांचों नदियां मिलकर यमुना बन जाती है, जो यूपी के कालपी और हमीरपुर होते हुए आगे प्रयागराज में गंगा से मिलती है। पचनद में यमुना के एक तरफ यूपी का जालौन तो दूसरी तरफ इटावा और कानपुर देहात की सीमाएं लगती है। यहीं पर यमुना किनारे बेहद घने बीहड़ में बसा है बहमई गांव। तारीख 14 फरवरी, साल 1981, समय दोपहर। बीहड़ का ये बहमई गांव 43 साल पहले 14 फरवरी को गांव में हो रही एक शादी के जश्न में डूबा हुआ था। बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, महिलाएं कुएं से पानी ला रही थी, बड़े बुजुर्ग नीम के पेड़ के नीचे अलसाए बैठे थे। तभी पुलिस की वर्दी पहने ऑटोमेटिक बंदूकों से लैस एक 18-19 साल की महिला और उसके दर्जन भर साथी तेज रफ्तार से गांव में दाखिल होते हैं। अगर हमें तुम मारोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। मेरा कसूर यही है कि मैं झोपड़ी में पैदा हुई, गरीब परिवार में पैदा हुई, तभी कुछ नहीं समाज में पैदा हुई, तो हमें जीने का अधिकार ही नहीं। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही ये महिला घरों में घुसती है और चीख चीख कर आवाज लगाती है, लाला राम, श्री राम, बाहर निकलो। गंदी गालियों के शोर में गांव की चीखें सुनाई देने लगती है। पुलिस की वर्दी में आई फूलन देवी एक घर की खपरेल छत पर चढ़ जाती है। डकैतों ने गांव के चारों कोनों पर नाकेबंदी कर दी थी। फूलन के साथ ही गांव के एक एक घर से युवाओं और अधेड़ मर्दों को खींच कर बाहर ले आते हैं और ठाकुरों के इस गांव में फिर होता है खूनी खेल। फूलन देवी को जब उसके दुश्मन लाला राम श्री राम के बारे में कोई कुछ नहीं बताता है तो वो कुएं के पास लाइन में खड़े किए गए लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देती है। सीता के कारण इतने बड़े जो राम का आज तक पुतला फूंकते हैं, उसका यही कसूर था कि खाली एक औरत को उठा ले गया तो आज तक पुतला फूंकते हैं। मैंने क्या बुरा किया? मेरे साथ भी ऐसे रामों ने अत्याचार किया, मैंने उन रामों को जवाब दिया। दिन दहाड़े हुए इस नरसंहार में 20 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। दो बाद में दम तोड़ देते हैं, 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। यमुना और चंबल के बीहड़ में 43 साल पहले हुए इस नरसंहार पर कानपुर की अदालत का फैसला आया तो बहमई गांव फिर सुर्खियों में लौट आया है। गांव के लोग 43 साल पहले की इस घटना को याद नहीं करना चाहते, लेकिन इसे भूल भी नहीं पाते हैं। कानपुर की अदालत की सीढ़ियों से उतरता ये बुजुर्ग अकेला शख्स है। नाम है श्याम बाबू केवट, जिसे बहमई कांड के दोष में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बहमई कांड के मुख्य आरोपी फूलन देवी की 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर हत्या कर दी गई थी। बहमई कांड के बाकी आरोपी या तो मर चुके हैं या फिर अभी तक फरार है। बहमई के सामूहिक हत्याकांड में फूलन देवी और डकैत बाबा मुस्तकीम समेत 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 2012 में जीवित बचे 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। 3 आरोपियों की मौत के बाद श्याम बाबू और विश्वनाथ जीवित बच गए थे,
न्यायालय ने श्याम बाबू को बहमई कांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे अभियुक्त विश्वनाथ को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। बहमई गांव के लोग इस फैसले से नाखुश हैं। गांव के लोग कहते हैं 43 साल बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है, जो मिला वो अधूरा इंसाफ है। रक्त रंजित कर देने वाले 1981 के खूनी नरसंहार की यादें आज भी समेटे हुए है बहमई गांव, जिन 22 लोगों की फूलन देवी और उनके गिरोह ने बेरहमी से हत्या की। उन लोगों की याद में गांव वालों ने ये स्मारक बनाया था, जिसे वे शहीद स्मारक कहते हैं। इस स्मारक पर चौपाल लगती है, लोग इन्हें याद करते हैं। वक्त की मार और सियासी गोलबंदी ने इन यादों को धुंधला भले ही कर दिया है, लेकिन एक सवाल कभी खत्म नहीं हुआ कि आखिर बहमई जैसा नरसंहार क्यों हुआ था। आखिर बदले की आग में कैसे एक महिला बन गई खूंखार डकैत? कैसे उसने एक जीते जागते गांव को उजाड़ दिया? कैसे एक साथ 22 लोगों की लाइन में खड़े कर हत्या कर दी? फूलन देवी के जीवन पर शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन समेत कई फिल्में बन चुकी हैं। देश विदेश की मीडिया में कहा जाता है कि फूलन देवी जब 16 साल की थी, तब बहमई के ठाकुरों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इनमें क्षत्रिय जाति के लालाराम श्रीराम नाम के डकैत भी शामिल थे। फूलन देवी जब किसी तरह ठाकुरों के चंगुल से अपनी जान बचाकर भाग निकली, तो 2 साल बाद अपने गिरोह के साथ गांव लौटी और इस नरसंहार को अंजाम दिया। लेकिन बहमई गांव के लोग इस थ्योरी को नहीं मानते हैं। फूलन देवी की बायोग्राफी लिखने वाली माला सेन भी कहती है कि इस घटना के पीछे डकैत गिरोहों की आपसी लड़ाई थी। फूलन देवी ने अपने गिरोह के सरगना विक्रम मल्ला से शादी की थी, जिसकी लालाराम श्रीराम गिरोह के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई थी। फूलन देवी इसी मौत का बदला लालाराम श्रीराम से लेना चाहती थी, इसलिए उसने बहमई नरसंहार को अंजाम दिया। 80 के दशक में UPMP के बीहड़ में सामंती संघर्ष का इतिहास रहा है। फूलन देवी के बहमई नरसंहार का बदला लालाराम श्रीराम और कुसुमा नाइन के गिरोह ने तुरंत ले लिया। बहमई कांड के 10 दिन बाद कालपी में फूलन के पैतृक गांव के पास अस्ती गांव में डकैतों ने निचली जाति के 14 लोगों की बहमई की तरह ही हत्या कर दी। बदले की आग कभी बुझती नहीं। 1983 में फूलन देवी ने भिंड के SSP RK चतुर्वेदी के सामने सरेंडर कर दिया। 1994 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने फूलन के खिलाफ सभी केस वापस ले लिए। फूलन देवी यूपी के मिर्जापुर से 2 बार सांसद रही, लेकिन फूलन देवी ने बहमई में जिस समुदाय के 22 लोगों को मार डाला था, उस समुदाय के एक शख्स शेर सिंह राणा ने 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में फूलन देवी के आवास पर उनकी हत्या कर दी। केस है फूलन देवी हत्याकांड का, ये अभी दिल्ली के ऑनरेबल हाईकोर्ट में पेंडिंग है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे जजेस हैं वो एक भगवान का रूप होते हैं धरती पर, तो क्योंकि के हमारा जो फैसला है वो उस भगवान के दरवाजे पर जो है अभी विचाराधीन है, तो मैं इस पर अपना कोई व्यू बताऊं कि भाई मैंने क्या किया या मैंने क्या नहीं किया, तो वो अभी अच्छा नहीं रहेगा। जब ऑनरेबल हाईकोर्ट अपना जजमेंट दे देगी उसमें उस केस में, तो जो वो कहेगी वही मुझे माननीय होगा। अगर वो कहेगी कि मैंने मारा है तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, अगर वो कहेगी कि नहीं मुझे जो 14 साल जेल में रहना पड़ा वो गलत है और मुझे अगर एक्यूटल करेगी तो फिर मैं उसको मानूंगा, तो इसमें जो है मेरा सिर्फ यही व्यू है, यही विचारधारा है। 80 के दशक में बहमई और अस्थि कांड जैसी घटनाएं आज भी समाज को झकझोर देती है। यमुना पट्टी में बसे बहमई गांव में, जिसमें फूलन देवी को हत्यारिन माना जाता है, उसे ही यमुना नदी के पार मल्लाहों और दलितों के कई गांवों में देवी की तरह पूजा जाता है। बदलते वक्त में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक माहौल बहुत कुछ बदला है। वक्त ने किसी हद तक इन गांवों के घाव तो भर दिए हैं, पर अदालती फैसलों से मिलने वाले इंसाफ अगड़ों और पिछड़ों की तरफ से अलग अलग सियासी गोलबंदी से काफी लोगों की टीस अभी बाकी है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।